हम लोग यहाँ पर रुके थे सोहम लॉज करके, कोलापुर हाईवे पर ही है और यहाँ पर ही इनका नीचे होटल भी है। हमने कल रात को जो है चिकन थाली खाया, प्रॉपर कोलापुरी चिकन थाली, एंड इट वाज अमेजिंग। सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द फाइनल लेग ऑफ आर जर्नी। आज हमारा जर्नी का लास्ट डे है कोलापुर टू मुंबई। हेलो टू ऑल यू लवली पीपल आउट देयर, आशीष हियर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। एंड आज का जो जर्नी है हमारा बस राइडिंग ही रहेगा बिकॉज आज हम जा रहे हैं घर। बट उसके पहले अभी सुबह को जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। कल अमेजिंग चिकन थाली खाने के बाद अब टाइम है कोलापुरी मिसल का। खाली है तभी हम जा रहे हैं। वेदर मस्त चिली चिली है। कल रात को हमने खाया था कोलापुरी थाली जिसमें कि पांडरा रसा तांबड़ा रसा होता है, और अब जा रहे हैं खाने के लिए कोलापुरी मिसल। यहाँ से घर जो है 400 किलोमीटर्स है, 420 आई गेस। तो देखते हैं कितने टाइम में पूरा होगा ये जर्नी हमारा। आगे पूरा फॉगी फॉगी है, क्या मस्त वेदर है, वाह। And let me tell you, this is not smog, this is actual fog, because यहाँ पे ठंडा है but it's not hurting you, it's making you pleasant actually. So that confirms that it is a fog. ये अपना logic है। सब जगह पे तांबड़ा पांडरा रसा वाला restaurant है। अभी हमको तांबड़ा पांडरा रसा नहीं चाहिए, अभी हमको मिसल चाहिए। प्रॉपर कोलापुर सिटी जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर है, 9 किलोमीटर इनफैक्ट। तीन किलोमीटर में मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन हमको मैकडॉनल्ड्स खाना ही नहीं है ना भाई। कोलापुर में मैकडॉनल्ड्स खाओगे तो उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं करोगे तुम। तुमको कोलापुर में आके मिसल ही खाना है। कुछ नहीं दिख रहा आगे तो। अभी तो रोड का कुछ अंदाजा ही नहीं आ रहा है, सामने भी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। धूप निकल आई है फाइनली थोड़े टाइम के लिए बस। मिसल पाव खा लिया, बहुत टाइम पास हो गया, अभी चलो आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं।
आमचं पोट भरलं आणि बाईकचं पण पोट भरलं, मतलब हमारा पेट भर गया और बाइक का भी पेट भर गया और हम जा रहे हैं सातारा की तरफ और वहाँ रुककर पहला ब्रेक लेंगे, दूसरा ब्रेक इनफैक्ट। तो चलिए सातारा। ओहो सातारा 13 किलोमीटर। छोटे से वाटर ब्रेक के बाद अब बढ़ते हैं आगे। टाइम हुआ है 1:15 और पुणे में आपका स्वागत है। पुणे में देखने के लिए क्या है, बस ये गाड़ी और ये लंबी सड़कें और भाकरवाड़ी खाने के लिए। पुणेरी पहाड़ को देखो। लोनावाला यहाँ से 20-30 किलोमीटर्स दूर है। अभी हुआ है 2:45, तो कहीं लंच के लिए रुक जाएंगे और लोनावाला में चिक्की भी ज़रूर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे घर की ओर। टोटल डिस्टेंस जो रिमेनिंग है अभी 98 समथिंग किलोमीटर्स है, इससे ज़्यादा नहीं, 98 या 120 समथिंग। शाम के बज गए 4:15। अब यहाँ से 130 किलोमीटर्स दूर घर है। थोड़ी देर में लोनावाला आ जाएगा। हमारा लंच हो गया है, लेट लंच हुआ 4 बजे। एनीवेज लास्ट लंच ऑफ दिस टूर। तो अभी 4:30 बजे है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय 7 वी शुड बी होम, बिकॉज अभी ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा।